आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर, और वह विषय है दिव्यांगता। हर एक पति पत्नी, हर एक परिवार ये चाहता है कि उसके घर जो संतान पैदा हो सुंदर हो, स्वस्थ हो, सुशील हो, बुद्धिमान हो, ऐसी सबकी कामना रहती है। लेकिन कुछ बच्चे जन्म से ही दिव्यांग पैदा होते हैं। कभी तो शारीरिक रूप से दिव्यांग पैदा होते हैं बच्चे, और कभी मानसिक रूप से। ऐसे में परिवार को कष्ट का जो सामना करना पड़ता है उनका पालन पोषण करने में, भविष्य को लेकर के अनेकों प्रकार की आशंकाएं परिवार के मन में घर कर जाती। इसी पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे, ये किन कारणों से होता है और इसका क्या समाधान है ये बताऊंगा। तो नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर.एच. सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप के जरिए लोगों की समस्याओं का निवारण करता आ रहा हूं। तो दिव्यांग के बारे में जो मैंने आपसे कहा चर्चा करने के लिए, तो ज्योतिष के अनुसार दिव्यांगता का कारण किसी व्यक्ति की कुंडली में स्थित ग्रहों और उनकी स्थितियों के आधार पर होती है। ज्योतिष में दिव्यांगता को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, आंतरिक दिव्यांगता और बाह्य दिव्यांगता। आंतरिक दिव्यांगता मानसिक या आत्मिक स्तर पर होती है, वहीं जबकि बाहरी दिव्यांगता शारीरिक स्तर पर होती है। दिव्यांगता के बारे में जानने के लिए विशेष ग्रहों और उनकी स्थिति का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ ग्रह और उनके संबंध दिव्यांगता के साथ जुड़े हुए होते हैं। ग्रह, नक्षत्र, राशियां सभी कुछ प्रभावित करती हैं इस बात को लेकर के कि संतान कैसा पैदा होगा। जैसे शादी विवाह होता है तो गुण मिलन करवाया जाता है, उस गुण मिलन में एक महत्वपूर्ण विषय होता है नाड़ी। पति पत्नियों की नाड़ी एक है तो भी दिव्यांग संतान ही पैदा होती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। वहीं पर शनि का कमजोर होना जन्म कुंडली में, या किसी पाप ग्रह के साथ बैठ करके पीड़ित होना दिव्यांगता की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। यदि शनि किसी दुख स्थान में स्थित होता है तो वह दिव्यांगता के प्रकार को और गंभीरता से प्रभावित कर सकता है। राहु और केतु दिव्यांगता के कारण बन सकते हैं। इन ग्रहों की अशुभ स्थिति दिव्यांगता की संभावनाओं को बढ़ाती है। सूर्य का कमजोर होना, पाप ग्रहों से दृष्ट होना या पाप ग्रहों के साथ होना, ये भी दिव्यांगता की संभावना को बढ़ाता है। अब जन्म कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं। अब उन योगों के प्रभाव को कम करने के लिए मंत्र और पूजा पाठ करके दिव्यांगता के जोखिम को, दिव्यांगता की संभावना को कम किया जा सकता है, ऐसा शास्त्र कहता है। जिसके लिए माता पिता की कुंडली को देखना आवश्यक है। जिन्हें संतान होने वाली है उन्हें चाहिए कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। कहीं ऐसा देखिए, शादी हो गई है, अब उसे हम कुछ कह नहीं सकते, संतान होना है तो जन्म कुंडली में वो कारक अकारक ग्रहों के, संतान के जो कारक ग्रह होते हैं वो कैसे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, तो उसके लिए उनकी संभावनाओं को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय ज्योतिष शास्त्र बताता है। दिव्यांगता के कारण बच्चों के जन्म की संभावना माता पिता की कुंडली के आधार पर भी ज्योतिष द्वारा विश्लेषण करके की जा सकती है। ज्योतिषीय सूत्रों के अनुसार माता पिता की कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं जो दिव्यांग बच्चे के जन्म की संभावना को बताते हैं। जैसे पंचम भाव में, जन्म कुंडली का पंचम भाव संतान का स्वामी होता है। पंचम भाव संतान के भाव के रूप में जाना जाता है। यदि पंचम भाव में शनि, राहु, केतु या अन्य दुष्ट ग्रह स्थित होते हैं, पाप ग्रह स्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में दिव्यांग बच्चे के जन्म की संभावना होती है। अच्छा ग्रह बैठा हो अच्छे बच्चे की जन्म संभावना होती है, लेकिन अच्छे ग्रह के साथ कोई पाप ग्रह बैठ गया हो तो उस बच्चे में कहीं ना कहीं दिव्यांगता के लक्षण आते हैं। वैसे ही सप्तम भाव में, सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। यदि इस भाव में अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो या इस ग्रह का स्वामी जाकर के पंचम भाव में बैठा हुआ किसी पाप ग्रह के साथ बैठ गया हो, या पंचम भाव का स्वामी सातवें भाव में पाप ग्रह को लेकर के बैठ गया हो, तो भी यह संतान की दिव्यांगता का कारण बन सकता है।
अब नवम भाव में आते हैं, यह नवा घर जो है भाग्य को प्रदर्शित करता है। पंचम भाव का स्वामी अगर इस भाव में बैठा है नवम भाव में, वह नवे भाव में बैठ करके वह किसी पाप ग्रह के साथ दृष्ट हो गया, पाप ग्रह से दृष्ट हो गया, या पाप ग्रह के साथ बैठ गया, शनि या राहु की मौजूदगी में बैठा हुआ है संतान का मालिक नवे भाव में, तो भी बच्चे के जन्म के दिव्यांग होने की संभावना बढ़ जाती है। माता पिता की कुंडली का विश्लेषण करके बच्चे के जन्म की संभावना को समझा जा सकता है, ये ज्योतिष कहता है। बार बार ज्योतिष विज्ञान में कई प्रकार से पाया गया है कि ये एक मार्गदर्शन है, इसमें आप अपनी संभावनाओं को जान सकते हैं। यदि कुंडली में लक्षण मौजूद हैं दिव्यांग संतान के, तो ज्योतिषी उपायों का पालन करके इन लक्षणों को कम किया जा सकता है। दिव्यांग बच्चों के लिए जो मैं कुछ उपाय हैं जो शास्त्र कहता है, उसके लिए विशेष मंत्र होते हैं। दिव्यांग बच्चे घर में जन्म न लें, या लेने से पहले अगर कुछ लक्षण पता चलते हैं जन्म कुंडली से, तो उन्हें विशेष मंत्र के द्वारा पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन करके उसे टालने की कोशिश की जा सकती है, ऐसा शास्त्र कहता है। धार्मिक कार्यक्रम का पालन करना चाहिए माता पिता को जिनके जन्म कुंडली में दिव्यांग बच्चे के लक्षण का जन्म होता है, क्योंकि धर्म का पालन करने से दिव्यांगता के प्रभाव को कम किया जा सकता है। धार्मिक दान सेवा, माता पिता यदि धार्मिक दान देते हैं और सेवा करते हैं, जैसे जन्म कुंडली में जो ग्रह उनके अच्छे हैं, उनकी बात तो छोड़ दीजिए, पाप ग्रह जो संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन ग्रहों के साथ अगर कोई भी पाप ग्रह बैठा है, बार बार मेरा इसलिए कहना होता है कि उन ग्रहों का दान करना चाहिए, उन ग्रहों का जप करवाना चाहिए, उन ग्रहों की शांति करवानी चाहिए। कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, उन ग्रहों के रत्न धारण करें, रुद्राक्ष धारण करें, अपने कुल देवी की, कुल देवता की पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें। इस प्रकार की शांति करने से माता पिता को उनकी जन्म कुंडली में दिखाई देने वाले दिव्यांग संतान के जन्म के जो लक्षण हैं उसमें संभावना कम हो जाती है, और भगवान की कृपा होती है, और परमात्मा उस व्यक्ति को एक स्वस्थ और अच्छे संतान का जन्म देता है उसके घर में। इन सब बातों की जानकारी के लिए अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। पति पत्नी दोनों ही अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही किसी प्रकार का उपाय करें, क्योंकि कभी भी भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए आज ही हमें रास्ता ढूंढना चाहिए। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तथा किसी भी प्रकार की अपनी परेशानी को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, ताकि मैं आने वाले समय में उस पर वीडियो बना करके आपकी परेशानी को दूर करने में मदद कर सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।